किसान को लेकर हरियाणा वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। जहां डीजीपी के आदेशानुसार 3 दिन तक चालान नहीं काटे जाएंगे। आपको बता दें कि जहां पूरे देश में नए ट्रैफिक कानून के तहत काटे जा रहे चालान से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे थे, वहीं प्रक्रिया को सरल बनाते हुए करनाल के एसपी सुरेंद्र सिंह भोरिया ने लघु सचिवालय वाले सड़क पर आने जाने वाले वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने लोगों को गुलाब का फूल देकर व अपने हाथों से हेलमेट पहनाकर यातायात के नियमों के बारे में जागरूक किया। उन्होंने बताया कि हरियाणा के डीजीपी के निर्देशानुसार 3 दिन तक हरियाणा में सभी वाहन चालकों का गुलाब फूल देकर यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी नियमों का पालन कर सके और अपनी जान जोखिम में डालने से बच सके। एसपी ने बताया कि इसी अभियान के अंतर्गत ट्रैफिक पार्क में एक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा, जिसमें स्कूली बच्चों को एवं यातायात विभाग के कर्मचारी व यातायात के नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। यहां हम आपको बता दें कि नई चालान प्रक्रिया से लोगों में डर का माहौल व्याप्त था और लोग पुलिस वालों से डरे हुए थे, लेकिन फिलहाल पुलिस की इस पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। जिसका मुख्य उद्देश्य जो ट्रैफिक के नियम है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाना है। ये वर्दी डीजीपी हरियाणा साहब की तरफ से आदेश है कि 3 दिन हम बिल्कुल चालान नहीं कर रहे। हम जितना मैक्सिमम हो सके आम जनता को ट्रैफिक के नियम के बारे में जागरूक कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज में हमारी कैंपेनिंग जो चल रही है स्कूल कॉलेज में इसकी गंभीरता, इस विषय की गंभीरता के बारे में स्टूडेंट्स को बताना हो, जो यूनियंस हैं चाहे वो ट्रक यूनियन है, ऑटो रिक्शा यूनियन है, ई रिक्शा यूनियन है, इन सबको भी इकट्ठा करके हम स्पेशल कैंपेन के थ्रू ट्रैफिक के इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं। और ये लगातार 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। इसमें मुख्यतः जो ट्रैफिक के वायोलेटर्स हैं उनको चालान ना करके, जैसे कि आपने अभी देखा जिनके नीचे कर ले यार तेरी क्या करता है, अपनी ओर से सिंबॉलिक तरीके से उनको हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं, उनको फूल दे रहे हैं और उनको इस बात की जागरूकता हो और इस बात की गंभीरता को समझे, वो ही हमारा लक्ष्य है। हेलमेट भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए इसके बारे में। देखिए हाँ, ये भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कुछ लोग जो है हेलमेट यूज कर रहे हैं लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। जो आप हेलमेट लें तो आईएसआई मार्क हेलमेट कीजिए। सर आज शाम को भी ट्रैफिक पार्क में हमने एक प्रोग्राम रखा है, इसमें अलग अलग स्ट्रीम से जिसमें जो ढाबे की पार्किंग मैनेज करते हैं, होटल की पार्किंग मैनेज करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ यूनियंस हैं, सभी को इकट्ठा करके एक ट्रैफिक चौपाल का भी कार्यक्रम 5:30 बजे ट्रैफिक पार्क में उसको ऑर्गेनाइज किया है। इसका सभी का मुख्य उद्देश्य ट्रैफिक रूल्स की इम्पोर्टेंस को समझना है। सर लोग डर जाते हैं कि उनका चालान बड़ा हो गया, लेकिन जागरूक नहीं है। अगर वो अपने कागज दिखाएं तो महज 100 रुपए चालान। क्या कहना चाहिए, कागज पूरे हैं तो डरने की कोई बात क्या? नहीं है। घर के जैसे सर घर है चालान, वो अगर चालान काट दिया जाता है तो बाद में कागज दिखाकर वो। देखिए नंबर दो बातें मैं स्पष्ट कर दूं, अगर जिसके पास कागज है ओरिजिनल कागज दिखा के वो चालान उसका सीन हो के कागज उसकी उसको पेनल्टी देने की आवश्यकता नहीं है। सर एक नंबर दो, आपको जो डिजी लॉकर ऐप जो है उसमें यदि आप उसको सेव करके रखें अपने डॉक्यूमेंट तो आपको जेब में साथ लेके उसकी आवश्यकता नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट साथ लेके चलें। सर एक रोड के जो ड्राइवर है वो विदाउट सीट बेल्ट नहीं और ओवरलोडिंग भी बढ़ते हैं, उनके लिए भी हम जीएम रोडवेज से भी बात करेंगे और जो है उन सबको जो उनकी यूनियन है उनके माध्यम से भी उसके बारे में उनको समझाया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।